वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। कभी ट्विटर तो कभी किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ओवैसी की ट्रोलिंग होती रहती है। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा के बाद ओवैसी जयपुर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका जमकर स्वागत किया, जिसने उनके लिए अब मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। आखिर कैसे, आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमल। भारत में मुसलमानों के रहनुमा बनने का ख्वाब देखने वाले असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से मुश्किलों में फंस गए हैं। कैसे? दरअसल में राजस्थान के जयपुर पहुंचे ओवैसी का समर्थकों ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान तस्वीरों में भीड़ भी साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन इस भीड़ ने ओवैसी के लिए कांड कर दिया, क्योंकि इस दौरान ओवैसी के समर्थकों ने उनको खुश करने के लिए एक ऐसा कारनामा करना शुरू कर दिया, जिससे उनके लिए और भी परेशानियां बढ़ गईं। दरअसल करौली में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के बाद ओवैसी पहली बार राजस्थान के दौरे पर रहे। इसके लिए वो राजधानी जयपुर पहुँचे, जहाँ समर्थकों ने उनके स्वागत के लिए तैयारियाँ भी की। अब इसी यात्रा का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें उनके समर्थक उनके साथ में देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। हालांकि वीके न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आपको बता दें कि वीडियो में दिख रहा है कि कुछ समर्थक ओवैसी का स्वागत करने के लिए वहां पर खड़े हैं, और इस बीच पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी तेजी के साथ लगाए जा रहे हैं। बता दें कि जयपुर दौरे के दौरान ओवैसी ने अपनी करौली यात्रा के दौरान करौली हिंसा को लेकर गहलोत सरकार पर भी जमकर ठीकरा फोड़ा। गहलोत सरकार को यहां पर फेल बताया गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार की लाचार व्यवस्था के कारण ये दंगा हुआ है। मुसलमानों को टारगेट करके हिंसा फैलाई जा रही है। सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे। इस दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर राज्य सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया, राज्य सरकार के ऊपर निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो कथित वीडियो ओवैसी के समर्थकों का वायरल हो रहा है, ओवैसी के स्वागत में जब तशरीफ ओवैसी ने लाई जयपुर में, उसके बाद से जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो ने कहीं ना कहीं ओवैसी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस वीडियो की अभी फिलहाल कोई पुलिस या आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर ये वीडियो सच्चा होता है, सच्चा साबित होता है, तो ओवैसी के लिए मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ जाएंगी। आपको पता होगा कि हाल ही के दिन में उनके भाई के ऊपर जिस तरह से हेट स्पीच के ऊपर जो भी आरोप लगते आ रहे थे, उनको फिलहाल बरी कर दिया गया था। लेकिन अब ओवैसी के लिए यहाँ पर दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके समर्थकों ने सीधे तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, वो भी हिंदुस्तान की सरजमीं पर। हिंदुस्तान की सरजमीं पर अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, तो उसके लिए जो कोई भी जिम्मेदार है, उसको सख्त से सख्त सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन ओवैसी के समर्थकों ने अगर इस तरीके के नारे लगाए हैं, तो ओवैसी को भी एक बार के लिए विचार करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनकी कट्टरवादी सोच कहीं ना कहीं उनको ही आगे चलकर हानि पहुँचाएगी। आप इस खबर के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।